इस वक्त हम 11 mm की 10 स्पिंडल टेप को ग्राइंड करने के लिए तैयार हैं और अब आपको दिखाते हैं ग्राइंडिंग कैसे होती है। ग्राइंडिंग के बाद हम मतलूबा ग्राइंड की हुई जगहों पर निशान लगाएंगे। अब हम इसकी रिवर्स साइड को ग्राइंड करेंगे और उसी तरह ही दोबारा ग्राइंडिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे। दोनों सिरों के सिरे एक जैसे ग्राइंडिंग होनी चाहिए और उनका निशान एक जैसा होना चाहिए। फिक्सोल लगाने से पहले अच्छी तरह इस बोतल को हिला लें। ज़्यादा फिक्सोल लगाने से आपका जोड़ मजबूत नहीं होगा। जितना ज़्यादा फिक्सोल को आप रगड़ेंगे उतना फिक्सोल की ताकत कम होती जाएगी और जोड़ मजबूत नहीं लगेगा। फिक्सोल लगाने के बाद आपने दोनों सिरों को बार बार आपस में नहीं मिलाना, इससे सॉल्यूशन की ताकत ख़त्म हो जाती है और हमारा जोड़ ठीक नहीं लगता। स्पिंडल टेप अब हीटर पर लगने के लिए तैयार है। 105 से लेकर 110 डिग्री तक हम 3 मिनट तक इसको हीट देंगे। जोड़ अब आपका लगकर तैयार हो गया है। अच्छे जोड़ की निशानी है कि पिछले हिस्से पर इसकी चमक आ जाती है और साइड पर फिक्सोल की पकाई के वाज़ह निशान आ जाते हैं, जो इस बात का सबूत है कि जोड़ आपका बेहतरीन लगा है। बहुत शुक्रिया।